हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल संजू किचन। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ सजन फली के सब्जी, जो कि बनाने में बहुत ही आसान है और खाने में तो बहुत ही स्वादिष्ट है। तो आइए शुरू करते हैं। तो सजन फली के सब्जी बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए सजन फली। तो यहाँ पर मैं 5 सजन फली ले रखी हूँ, आप देख सकते हैं। तो इसे पहले हम कट करेंगे, कट करके इसके छिलके निकाल लेंगे। तो चलिए इसे कट कर लेते हैं। तो यहाँ पर एक सजन फली ले लेंगे और इसको कट कर लेते हैं। पहले इसका जड़ कट कर निकाल लेंगे और इसे लंबे लंबे पीसेस में कट कर लेते हैं। तो इसे लंबे लंबे पीसेस में कट कर लेंगे। तो सारे सजन फली को पहले लंबे लंबे पीसेस में कट कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं सजन फली को लंबे लंबे पीसेस में कट कर लिया है। अब इसके सारे छिलके हम निकाल लेंगे। तो इसे चाकू से हम सारे छिलके निकाल लेंगे। बहुत आसानी से निकल जाता है। आप देख सकते हैं ऐसे सारे सजन फली को हम छिलके निकाल लेंगे। तो आप देख सकते हैं सारे सजन फली को छिलके निकाल लिया है। तब इसे एक बार वॉश कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं सजन फली को धुल लिया है, वॉश कर लिया है। तो चलिए अब इसकी सब्जी बनाते हैं। तो यहाँ गैस पर एक कढ़ाई रख दिया है। कढ़ाई हमारा गर्म हो गया है। तो इसमें 3 बड़ी चम्मच तेल डालेंगे। तेल आप अपने हिसाब से ले सकते हैं, आपकी सब्जी कितनी है उस हिसाब से आप तेल डाल सकते हैं। 3 बड़ी चम्मच तेल डाल दिया है। अब तेल को गर्म होने देंगे। तो यहाँ पर हमने लिया है कुछ खड़े मसाले। तो ये एक छोटा तेज पत्ता लिया है और ये छोटा सा दालचीनी, 2 छोटी इलायची, 3 लौंग, 5 से 6 काली मिर्च साबुत। तो सारे गर्म मसाले को हम तेल में डाल देंगे और इसी में डालेंगे 1 बड़ी चम्मच जीरा और जीरा को चटकने देंगे। तो जीरा हमारा अच्छे से फ्राई हो गया है। तब इसमें 2 मीडियम साइज की प्याज को कट कर लिया है और ये डाल देंगे। तो यहाँ पर प्याज को मैं बारीक चॉप कर लिया है। आप चाहे तो इसे कद्दूकस करके भी ले सकते हैं या इसके प्योरी से बना सकते हैं। तो प्याज को कलर चेंज होने तक इसे भून लेंगे। तो आप देख सकते हैं प्याज का कलर चेंज हो गया है। तब इसमें 2-3 हींग डाल देंगे और इसी के साथ 1 बड़ी चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट डाल देंगे। इसे भी भून लेंगे ताकि लहसुन अदरक का कचापन निकल जाए। तो इसमें गरम मसाले डाले हैं तो गरम मसाले की बहुत अच्छी खुशबू भी आ रही है और लहसुन अदरक का कचापन निकल गया है। तो अब इसमें हम कुछ सूखे मसाले डालेंगे। तो गैस का फ्लेम बिल्कुल लो कर देंगे। तो मसालों में हम डालेंगे 1/2 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 छोटा चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच मिर्च पाउडर, 1 चम्मच गरम मसाला, 2 चम्मच रोस्टेड बेसन। 2 चम्मच बेसन को तवे पे अच्छे से भून लिया है। तो ये डाल देंगे। तो सारे चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। तो इस सब्जी में रोस्टेड बेसन डालना बहुत ज़रूरी है। तो इस सब्जी में रोस्टेड बेसन ज़रूर डालिएगा। तो सारे मसालों को अच्छे से भून लेंगे। तो 1 मिनट तक सारे मसालों को अच्छे से भून लेंगे। तो 1 मिनट मसालों को भून लिया है। अब इसमें डालेंगे 2 मीडियम साइज के टमाटो को प्यूरी बना लिया है, ये डाल देंगे। टमाटो को प्यूरी डालने के बाद सारे मसाले को अच्छे से भून लेंगे, तेल छोड़ने तक भूनेंगे। तो मैं यहाँ पर टमाटो को प्यूरी बनाकर डाली हूँ। आप चाहे तो टमाटो को बारीक चॉप करके भी डाल सकते हैं। तो आप देख सकते हैं मसाले हमारा अच्छे से भून गया है, साइड साइड से तेल भी छोड़ने लगा है। मसालों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसमें डाल देंगे सजन का फली।
और इसे मसालों के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो सजन फली को मसाले में अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब इसमें डालेंगे गर्म पानी, पानी को मसालों के साथ अच्छे से मिक्स करेंगे। पानी आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं, आपको ग्रेवी ज़्यादा पतली चाहिए या गाढ़ी चाहिए उस हिसाब से आप पानी ऐड करें। तो पानी के साथ सब्जी को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और गैस का फ्लेम हाई कर देंगे। तो पानी डालने के बाद अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो प्लीज़ अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और पास वाली घंटी को ज़रूर दबाइएगा। इससे क्या होगा कि हमारी आने वाली वीडियो का अपडेट आपको मिलती रहेगी। तो गैस को फ्लेम हाई कर देंगे और इसमें एक उबाल आने देंगे। तो सब्जी में उबाल आ गया है, अब इसमें डाल देंगे स्वाद अनुसार नमक और भरी कटा हुआ दो हरा मिर्च और इसे मिक्स कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं सब्जी का कलर कितना बढ़िया दिख रहा है। तो गैस का फ्लेम आप लो कर देंगे और इसे ढक देंगे और इसे ढककर 15 मिनट तक इसे पका लेंगे। तो 15 मिनट हो गया है, सब्जी को चेक कर लेते हैं। तो सजन फली हमारा पका है कि नहीं इसे भी हम चेक कर लेते हैं। तो इसे एक फली को हम दबाकर चेक कर लेंगे। तो सजन फली हमारा पक चुका है, आप देख सकते हैं। थोड़ा सा 2 मिनट और पका लेते हैं। तो 2 मिनट के लिए और ढक देते हैं। तो 2 मिनट बाद सब्जी को चेक कर लेते हैं। तो सब्जी हमारा बनकर तैयार है। अब इसमें थोड़ा सा धनिया पत्ता डाल देंगे और इसे मिक्स कर लेंगे। तो आप सब्जी का कलर और कंसिस्टेंसी देख सकते हैं। तो धनिया पत्ता डालने के बाद सब्जी को मिक्स करेंगे तो आप इसका कलर देख सकते हैं। तो आप इसका कलर और कंसिस्टेंसी देख सकते हैं, कितना बढ़िया दिख रहा है। तो गैस को बंद कर देते हैं और चलिए सब्जी को सर्व कर लेते हैं। ये लीजिए गर्मा गर्म तैयार है हमारा सजन फली के सब्जी। तो आप इसे रोटी, पराठे, चावल किसी के साथ भी खा सकते हैं, बहुत ही टेस्टी लगता है, सभी को बहुत पसंद आएगा। तो आज का वीडियो हमारा आपको कैसा लगा? अगर आपको पसंद आए तो सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपकी सजन फली की सब्जी कैसी बनी। तो मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।